एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 14 सितंबर और सुबह का टाइम है। नाश्ता वास्ता मतलब बनाने में जा रही हूँ। दाल में हालांकि मैं बना चुकी हूँ और दूध वूध बॉयल कर दिया है और मैं यहाँ पे चढ़ाई हूँ। थोड़ा सा पता है मलाई इकट्ठा हो गया था तो उसी का जो घी बोलते हैं। और मैं आपको सब दिख रहा है चाउमिन बना रही हूँ नाश्ते में। हालांकि मैंने केक भी बनाया था नाश्ते में, लेकिन वो केक का मैटर मैं कभी कभी नहीं आज ही बताऊंगी थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो मैंने क्यों केक बनाया है। और चलो बताई देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखती हूँ। कल 13 तारीख था, 13 में गुनगुन एकदम जिद कर रही थी कि मम्मी कान्हा का बर्थडे है, कान्हा का बर्थडे है, मंथली बर्थडे है, मम्मी बनाओ बनाओ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना कि जैसे हम मतलब मंथ में बर्थडे मनाने का मतलब कि एक हर एक मंथ में मनाओ या फिर जो भी, तो इस वजह से मैंने बोला नहीं कल नहीं, मतलब 14 को मैं बना दूंगी। तो अर्ली मॉर्निंग मम्मी प्लीज बनाओ बनाओ, मैंने सोचा चलो ठीक ही है पहले बनाई देती हूँ केक। तो केक बनाया और बच्चे अभी नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, केक खा चुके हैं, लेकिन फिर भी बोला है कि चाउमीन लेना है मुझे, तो चाउमीन मैं बनाने जा रही हूँ बस नाश्ते में। और वैसे तो आप समझ सकते हैं कि 3 तरह का नाश्ता हो गया, एक केक हो गया, दूसरा चाउमीन और तीसरा मतलब जो बड़े लोगों के लिए देखते हैं क्या देते हैं नाश्ता में, तो फिर वो नाश्ता और खाना दादी आएंगी तो बनाएंगी। तो मैं घूम घूम के दिखा रही हूँ, पूरा किचन अभी मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, पता है किचन थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है। दो बार मैंने क्लीन किया था कपों, लेकिन अब तीसरी बार में अब मेड आ गई है तो वो बस धोएगी, क्योंकि दो बार तीन बार मतलब चाय काढ़ा कॉफी ये सब तो बन ही जाता है, तो कितने कप मैं निकालूंगी अंदर से, तो आप समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं घी को लगातार चला रही हूँ क्योंकि वो जले नहीं। और घी तो वैसे पता है था, पर मलाई का जो डब्बा होता है ना वो भर गया था, तो मैं सोच चलो निकाल ही देती हूँ इसे। और तो फिर चलिए कैमरे को ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ। ट्राईपॉड से पता है मुझे एकदम डर सी हो गई है, क्योंकि आज मेरा ट्राईपॉड एकदम फाइनली जवाब दे चुका है और मैंने उसे कितना जुगाड़ लगाया और फिर भी क्विक से चिपकाया और मोबाइल मेरा धड़ाम से नीचे गिर गया था, लेकिन माता रानी की मेहर है कि बच गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, वरना 2-3 दिन तो वीडियो स्किप ही करना पड़ता। तो चलिए फिर कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाई देती हूँ। तब से पता है मैं चिपका के उसे रखी हुई हूँ, अभी तक तो वो ठीक भी हो गया होगा लेकिन पता नहीं, अभी कह नहीं सकते हैं। नहीं, ठीक हो चुका है। और डर लगता है पता है, मोबाइल अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ मतलब गिर गया तो फिर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइन और उसके बाद मैंने डाला है इसमें हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज टमाटर, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सोयाबीन बॉईल कर रखा है था पहले से ही, और उसी तेल में मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो वैसे कभी बनाना बहुत टेस्टी लगता है, तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसे बस चलाते हुए भूनूंगी, ज्यादा नहीं भूनना है मतलब 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद उस चॉपर में मैंने इसे अच्छे से सोयाबीन को मतलब जिसको बोलते हैं कद्दूकस करना या फिर जो भी, तो यहाँ पे आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, और इसे मैं थोड़ा सा भूनूंगी बस, ज्यादा मतलब जरा सा, जो इसका कच्चापन होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो मेरे पास जो सब्जियां थी मैं आप लोगों से झूठ नहीं करूंगी कि जो है मेरे पास मैं उसी से बस बना रही हूं। तो यहां पे और पता है आप यकीन नहीं करोगे बहुत टेस्टी बना हुआ था, कभी ट्राई करके देखना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मेरा घी भी हो मतलब हो गया है, और यहाँ पे सारे मसाले मतलब सारे मतलब जो भी प्याज व्याज मैं डाली थी उसमें सारे अच्छे से भून के रेडी हो चुके हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा खीरा, मैंने डाला है खीरा डाला है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मैंने डाला था, हल्दी तो एकदम मतलब जरा सी मैंने डाली थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मतलब सासू माँ मेरी कहती है कि बिना हल्दी का कुछ नहीं बनाना चाहिए, तो मतलब नाम का ये कहते हैं ना, एक चुटकी मैंने डाल दिया। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू, तो बस नींबू डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस, अगर आपको खाना है तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, पर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और टोमेटो सॉस। तो जो था मैंने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि बहुत बच्चों को मीठा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो और बस इसे अच्छे से मैं बस मिक्स कर दूंगी चलाते हुए चारों तरफ से। थोड़ा सा चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि चाउमीन बन के मेरी रेडी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे चाउमीन बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं सबके लिए निकाल देती हूँ। हुआ और पता है ये लोग तो मतलब हद है, गंगा स्पेशली युग आज पिल्लो फाइट कर रहे थे हैं। मम्मी हाँ बोलो, अरे लेट याद आती है, नहीं बंद है, बंद कर दो, बंद है। अरे मतलब ऊपर से लगा दो, लगा है। एक एक समस्या इन लोगों के साथ लगी रहती है। अभी बोल रही कि गेट ही नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है गेट में अचानक से, ये अचानक से कैसे जाम हो गया स्लीपर का।
और ये लड़का मेरे को बिना चिल्लाए रहता नहीं है, और पता है बिना स्लीपर के दौड़ गया था धूप में, और सच बता रहा था कि जाम हो गया वो भी, और वो खींच के बंद भी कर दिया और गंगा जी से बंद नहीं। गंगा जी इसीलिए हम कहते हैं कि एक रोटी ज्यादा खाया करो, थोड़ा गेंद कर रही है, हैं? गेंद कर रही है। गूगल है ना? हाँ गूगल है। और पता है चाउमीन बहुत टेस्टी बना था, कैसा बना था चाउमीन? बहुत टेस्टी। सच में यार, सच में मतलब सच बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना हुआ था। गंगा दीदी बोल रही है गंदा है ना, गंदा बना था गंगा। गंगा दीदी खाया तो छह प्लेट। नाश्ता तो हो गया लेकिन अभी पता है चाय वाय नहीं हुआ है, और बनाओगे योग? बना दो चाय। नहीं अभी रहने दो, अभी रहने दो, थोड़ी देर बाद ही बनाना, नानी को आने दो उसके बाद। और बताए मम्मी जाने के लिए परेशान है एकदम कि जाना है जाना है। वैसे पता है बैग पैक करके, और मैंने तो मतलब मैं तो मतलब हार भी मान जाती हूँ उसकी बात तो क्या गया, पर ये बोले कि नहीं जाना है अभी, नहीं जाना है, लेकिन कल शायद जा सकती है, 15 है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब वहां पे थोड़ा सा मम्मी मतलब वो करती हैं, क्या बोलते हैं ऐसे दानवन करना जिसको बोलते हैं, अमावस्या के दिन जो होता है, तो वो सब उसको करना है, तो देखते हैं, जाना तो पड़ेगा ही उसे किसी भी हालत में। और पैकिंग तो 2-4 दिन पहले से हो रखी है, और यहाँ पे आपको साइड में कहा गया वो चेयर के पीछे बैग दिख रहा होगा वहां पे है, और इनकी वजह से 2 दिन मतलब रुक गई है मम्मी, नहीं जाना है नहीं जाना है अभी कह रहे थे, लेकिन अब फाइनली बिछड़ने का दिन आने वाला है हम लोगों का, और 2 दिन के बाद से पता है इन लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। इस बच्चे गुनगुन गुनगुन एकदम शैतान लड़की हो गई है गुनगुन, सच में मार दूंगा। और अभी फिर से झगड़ा स्टार्ट हो गया। मैं तो पता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, अब जब से मैं उठती हूँ तब से मम्मी ऐसे किया मम्मी वैसे किया, चाची ऐसे चाची वैसे, एकदम झगड़े सुलझाते सुलझाते मैं ही थक जाती हूँ। इतना तो मतलब कोर्ट कचहरी में भी केसेस नहीं जाते हैं जितने मेरे घर में आते हैं, सच बात बता रही हूँ आप लोगों को। अभी घी इसी तरह रखा है, पर अभी नहीं करूंगी कुछ भी, अभी बस चाय बनाऊंगी थोड़ा सा अपने लिए, खाने के लिए, जिसको पीना है उसके लिए, और बस खाने में ज्यादा कुछ नहीं। दाल तो मैंने पहले ही बना रखा है, और बनेगी एक सब्जी आलू की जिसको भुजिया कहते हैं, थोड़ा सा दूध रख देती हूँ अंदर, और चावल, तो यही बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा आज। अभी देखती हूँ कितने देर घूम सकती। खाना वाला तो हो गया, और अभी 2:30 बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ कॉफी, क्योंकि बाहर कुछ लोग आए हुए हैं तो उनको पीना है कॉफी, और ये बैठे हुए बाहर। मैंने बोला कि अब क्या हुआ, पूरा किचन मेरा बिखरा पड़ा है। हुआ ऐसा कि इनको सब्जी जो सूखी वाली होती है उसके साथ ये पराठा बहुत अच्छे से खाते हैं, तो बोले कि पराठा बना दो मेरे लिए, तो इनके लिए पराठा बनाया, और उसके बाद सबके लिए चावल बनाई। तो अभी बस पानी पी दो, तो कॉफी बन के रेडी हो चुकी है 3 कप, और अभी मैं देख रही हूँ बच गया। आज पता है सुबह से कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही है ना कि मेरे लिए नहीं होनी चाहिए थी। अभी कॉफी का मैं कप लेके जा रही थी, तो वो ट्रे ऐसा था ना, ट्रे कह सकते हैं या फिर जो भी, कप स्लिप कर रहा था, मतलब गिरते गिरते बचा है, इसलिए मैं युग को नहीं दिया मैंने, वरना मैं मतलब युग से ही भेजती। और सुबह में पता है यहाँ पे मुझे चोट लग गई थी यहाँ पे, और अब पता नहीं क्यों, अभी उस समय तो दर्द नहीं हो रहा था लेकिन अब ये दर्द कर रहा है। मैंने अभी इनसे कहा है कि एक मेडिसिन लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अजीब सा, मतलब अंदर से तो नहीं हो रहा है, भारी भारी जैसा हो रखा है, लेकिन क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और अभी पूरे दिन बाकी है, किसी दिन होता है मेरे साथ ऐसे, अगर सुबह से कुछ चीजें मेरे साथ एबनॉर्मल टाइप की होती है तो पूरे मतलब दोपहर मेरी बेकार ही चली जाती है। अभी तक दोपहर में 2:45 होने को जा रहे हैं, और बस अभी ऐसे ही आगे देखती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी मतलब बोली है कि थोड़ा सा तेल यहाँ पे लगाओ या फिर कुछ भी, तो मुंह लगाने से भी दर्द करेगा, आंख के पास मैं नहीं लगा सकती, पता नहीं क्या हो रहा है यार। और पता है ये ना मतलब मैं कितने देर चश्मे भी पहनी थी, लेकिन चश्मे की वजह से नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे दर्द है, आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ जो गंगा है दरवाजा खोल के देख रही है,
कुछ ना कुछ अजीब सा, पता है गुनगुन के हाथ से लग गई थी मुझे यहाँ पे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गुनगुन मम्मी सॉरी सॉरी, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मेरे ऊपर बीत रही है, लाइट चली गई। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ पीछे साइड किचन में, क्योंकि पता है मेरे पास काफी दिनों सॉरी बोल रही हूँ, 2 दिन पहले मैंने बनाया था ठेकुआ, तो उसका थोड़ा सा आटा था, तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो चुका है, आप बहुत ही टेस्टी बन रहा है। और शाम को पता है नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था मैंने, तो बस यही बच्चों को दे दूंगी, तो एक एक खा लेंगे। उसके बाद आज खाने में इसी में थोड़ी सी पूड़िया तल दूंगी, लेकिन अभी नहीं खाने के समय, और बनाऊंगी चने की सब्जी मतलब छोला, छोला और पूड़ी खा लेंगे बच्चे, और बाकी सबके लिए रोटी तो है ही, और करेली की एक सब्जी बन रही है इधर साइड में, तो बस चलिए बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बना लिया मैंने पूड़ी, और गर्मी लग रही है पीछे, सच में बहुत गर्मी है इतना कि क्या बताऊं। और इतना सारा बनाने से बच्चों के लिए बनाया है, पूड़ी बनाया है और नीचे थोड़ा सा ठेकुआ है, और यहाँ पे चना हो रहा है मेरा। दादी आई थी लेकिन मैंने बस बोला कि आज रेस्ट कर लो, क्योंकि किचन में मैं जब रहती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है रहना या फिर जो भी, और बाद में रोटी बनाऊंगी जिसको खाना होगा रोटी, क्योंकि कुछ लोग मतलब भैया। और ये है मेरे रूम की हालत, स्पेशली मेरे बेड की। अभी किचन से छुट्टी हुई और बस आई रूम में, और पता है संडे में चादर मैंने नहीं धोया था, लेकिन आज धोना है, क्योंकि अब बन हो गया है कि धोना है तो बस धोना है इसको। अभी पूरे बेड का चादर निकालूंगी, क्योंकि कल युग के रूम का चादर मैंने निकाला था, और बस और कुछ ज्यादा नहीं। हाँ कंबल उम्बल मैंने धोए थे, जो एसी कंबल होता है वो सब, और आज चादर निकाल देती हूँ, क्योंकि अजीब सा हो रहा है अंदर से कि दो मतलब संडे निकल गया अभी तक चादर मैंने नहीं क्लीन किया, क्यों इतनी सी लाइट कम कभी कभी आ जाती है। तो अभी बस हम लोग का चाय नहीं हुआ है, माँ को कॉफी दे दिया है और बस चाय वाय बाकी है। अब ये अभी थे कब से यहाँ पे, मैंने पूछा था इनसे कि चाय पीना है, हालांकि 3 बजे के करीब में इन्होंने कॉफी पी थी, इस वजह से ये चाय नहीं पिए हैं। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा चादर लगाऊंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद दिया जलाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी। तो ये सारे काम मेरे अभी के हैं, शाम में मन हो जाता है ना कभी कभी, कभी कभी सोचते हैं कि चलो कल करेंगे, लेकिन कल के चक्कर में आज ही हो जाता है तो अच्छा ही है। और पता है एक दिन मुझे कबर्ड भी क्लीन करना है अपना, काफी दिन हो गया है कबर्ड मतलब देखे इन सेंस मतलब उसको ठीक करना है। तो अभी फिर चलिए चादर वादर निकाल लेती हूँ, उसके बाद चादर लगा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो चेंज कर दिया और चाय मिल गया तब तक, क्योंकि मैं चाह रही थी तो चाय बना दी और सबके लिए, तो वैसे चलो चाय पी लेती हूँ, और कब से खड़ी थी थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया। और पता है मम्मी कल सुबह जा रही है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, कितनी खुश है देखो। लेकिन पता है क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो मैं भी जाने नहीं देती। गुनगुन बोल रही है नानी प्लीज मत जाओ, लेकिन क्या करें जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आप लोगों से भी इजाजत लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए 1 सेकेंड, बाय बाय।